विद्यार्थियों, आरसीएम की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सारणिक का प्रयोग करते हुए उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु दिशवंत तथा दिशवंत से गुजरे तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी याद कीजिए यदि तीसरा शीर्ष ये हो। तो देखिए, ये आप अपने से कर सकते हैं। कैसे? दो बिंदु तो ये रहे और तीसरा ये रहा। इन तीनों को आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। ऊपर वाला मैं करता हूं, देखिएगा। रेखा का समीकरण जब यह दो बिंदु 3,1 तथा 9,3 से गुजरती है, आप इसे ब्रैकेट में यूज कर सकते हो, रेखा का समीकरण होगा इतना, जब यह दो बिंदु दिशवंत तथा दिशवंत से गुजरती है तो क्या होगा। देखिए, रेखा का समीकरण होगा, ये ब्रैकेट में लिख दिया, जब यह दो बिंदु दिशवंत तथा दिशवंत से गुजरती है। तो क्या लिखेंगे? एक्स वाई वन, उसके बाद एक्स वन वाई वन वन, यानी 3,1 और 1 और 9,3 और 1 इक्वल टू 0। अब कहीं सोच रहे हो कि ये जो अपना फॉर्मूला है एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन आता कहां से है, तो उनको मैं बता दूं कि जैसे आप ये मान के चलो कि ये कोई लाइन है, इस पर ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इस पर हम एक्स वन वाई वन ले लो, इस पर एक्स टू वाई टू ले लो, और मैं मेरी मर्जी से एक नया बिंदु और सी ले लेता हूं और उसके निर्देशांक बता देता हूं एक्स थ्री वाई थ्री। अब आपके पास ये तीनों बिंदु क्या है? संरेखीय है, और संरेखीय तो क्या करोगे, 1/2 और एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन इक्वल टू 0, और ये 1/2 किसमें चला जाता है, 0 में, तो यही तो बच जाता है। अब यहां पर जो तीसरा पॉइंट है वो आप एक्स थ्री वाई थ्री की जगह क्या ले लो, एक्स वाई ले लो, तो एक्स वाई वन ऐसे ही एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई वाई टू वन कंप्लीट। लेकिन आपको प्रूफ पे नहीं जाना, आपको तो केवल और केवल सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि आपके 12th लेवल पर किसी भी फॉर्मूले का प्रूफ नहीं आता। हाँ, थ्योरम जरूर आती है। तो देखिए आगे, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। ये क्या है, x 1-3 डिटरमिनेंट है, आपको सोल्व करना आता है। यहां से -y, उसके बाद देखिए 3-9 और +1, और ये क्या होगा, 9-9, ये तो 0 हो ही गया। तो देखिए -2x और यहां से क्या होगा, -6 + 6y = 0। अब यहां से -2 कॉमन ले लो, क्या आएगा, x - 3y = 0। -2 को 0 भेज दो, क्या बचा, x - 3y = 0। इतना नोट करिए। इतना हो गया, उसके बाद देखिए केवल कुछ नहीं था, एक्स वाई वन और आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है एक्स वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन, बस उन्हें रखा है आपने और इस डिटरमिनेंट को सोल्व किया, सोल्व किया तो x - 3y = 0 आ गया। ये आपने इस क्वेश्चन में जो बोला था ना, सारणिक का प्रयोग करते हुए रेखा का समीकरण याद करो, ये कर दिया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको देख लीजिए। क्या करेंगे अब, नाउ त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये ब्रैकेट में लिखो, जब तीनों शीर्ष क्या क्या हो, 3,1 9,3 और -2
कोमा फोर माइनस फोर होम, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीनों शीर्ष ये हैं तो क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू वन बाई टू, और क्या लिखोगे, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन। अब डेल्टा इक्वल टू वन बाई टू, अब देख लीजिए, थ्री वन वन, नाइन थ्री वन, माइनस टू माइनस फोर वन। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, देखिए डेल्टा इक्वल टू वन बाई टू ये हो गया, आप इसे सोल्व कर लो तो वन बाई टू, और क्या होगा, देखो थ्री, और क्या होगा इसके साथ, थ्री प्लस फोर, उसके बाद माइनस वन, माइनस वन ये आ गया, तो देखो ये हट गया, ये हट गया, क्या होगा नाइन, और प्लस टू, नाइन प्लस टू, और यहां पे प्लस वन, और उसके बाद क्या होगा, ये हटा माइनस थर्टी सिक्स, और प्लस में सिक्स, ये लो। अब इसे सोल्व कर लो, ये आया ट्वेंटी वन माइनस इलेवन और माइनस थर्टी, और यहाँ से मिलेगा आपको वन बाई टू, ट्वेंटी वन माइनस फोर्टी वन, यानी कि माइनस का ट्वेंटी अपॉन टू यानी माइनस टेन, और इसको आपको क्या बना देना है, पॉजिटिव, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। और मैंने आपको बताया था कि जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बना देना है, और जब क्षेत्रफल देके शीर्ष पूछेगा उस टाइम क्षेत्रफल को आपको प्लस माइनस समथिंग लिखना पड़ेगा। तो देख लीजिए, माइनस बीस अपॉन दो माइनस दस आया, तो उत्तर क्या हो गया, माइनस माइनस दस ना होकर के क्या होगा, प्लस का दस वर्ग इकाई, और ये जरूर मेंशन करना है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है।